थोड़ा फ्लैश बीच में आ रहा है। मैडम थोड़ा ये कैमरे में अरुण अरुण सर पिक्चर दिखाऊंगा फुटेज तेरे को। अनिल सर हो या अनिल जी यहाँ पर सर देखने में पहचान है सही बोल रहे हो। रेडी क्या? चलिए लोन प्लीज। रोल कर रहे हैं। आज मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स, एंड ये पहली बार ये अवार्ड रखा गया है, और जितने भी NRIs हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में इंडिया का नाम बढ़ाया है उनको फेलिसिटेट यहाँ पे किया जाएगा। आई थिंक एनीबडी कैन बी एन अचीवर, whether in academics or sports or literature, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं। लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है और एंटरटेनमेंट है। हर एक कैटेगरी में जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, दे बी फेलिसिटेटेड ऑन दिस शो। आयुष्मान, बारिश का मौसम चल रहा है, देख के कौन सा गाना याद है? यार पानी दारा बिल्कुल याद आता है बारिश के मौसम पर, इतनी बार मैं गा चुका हूँ फिर दोबारा नहीं गाऊंगा। एक बार कोई भी कोई और फिल्म का गाना जो यार अपनी फिल्म का ही गाऊंगा तो और फिल्म का क्यों गाऊंगा? नहीं नहीं बस गाना ही चाहिए। गाना नहीं गा रहे गाऊं क्या पानी दारा? हां गाइए ना। ओके पानी दार रंग देख के अखियां जो अंजूर उड़ गए, माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा रांझड़ा ना आया। ये राग बल्हार नहीं है वैसे। ईद विशे, हाँ वेरी हैप्पी ईद एवरीबडी, और जो फास्टिंग आजकल कर रहे हैं वो पूरा कड़ाके से खाएँ 7 बजे शहरी के और तारी के बाद। आई थिंक इस शो के बाद 12 बजे ख़त्म होगा तो मैं पक्का पीछे जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। पगला गया समझा ना अरुण लुकिया लुकिया इसका कैमरा पीछे हमको फेमस है।
सेंटर फ्लिप हां ओके सेंटर जी नहीं मैं गाने तो नहीं बट आई एम हियर टू वॉच द शो एंड बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को जिन्होंने ये IIAA शुरुआत की है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड थैंक यू बहुत सारे गाने याद आते हैं नहीं आज मन नहीं है गाने का मेरा आज नहीं फिर कभी जरूर थैंक यू सो मच किसकी अचीवर की डेफिनेशन आई थिंक कुछ भी अचीव करना अच्छा ही लगता है डेफिनेशन उसकी आई डोंट नो मुझे ये लगता है कि कितना भी आदमी अचीव कर ले हमेशा कम होता है और अचीव करना एक ऐसा गोल है जिसकी वजह से हम वो कोशिश में लगे रहते हैं कि बहुत बेहतर काम करें अच्छा करें और वो एक दिन अगर रिकग्नाइज होता है तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल थैंक यू आप बताइए बहुत बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं और पहली बार हम आगे आ जाए चलो माइक के लिए आगे आ जाए बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक धर्म जी भी बहुत फंसी हैं कैसी फिल्में करें तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर हम साथ में कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पैकेज है जिसका नाम है डबल द ट्रबल और डबल धर्म जी है उसमें और डबल गिप्पी गरेवाल है और पहली बार हम दोनों पंजाबी पिक्चर कर रहे हैं हमारे करियर में हम दोनों ने आई थिंक मैंने अगर 100 पिक्चरें की है धर्म जी आपने तो पता नहीं कितनी की होंगी नंबर गिन भूल गए हैं पहली बार पंजाबी फिल्म हम दोनों कर रहे हैं एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग सो सबसे हम ये कहना चाहेंगे एंजॉय द फिल्म है ना एंजॉय द फिल्म एंड प्रे पास सर सर एक ईद पे विश दे दीजिए सर सर ईद पे क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए बहुत बहुत मुबारक आज मेरे घर पे पहुंच गई है मैं खा के आ रहा हूँ मेरे चाहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को गले से लिपटा के जोर से खींच कर ईद की बहुत बहुत मुबारक लव यू अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे और इसी तरह हिंदुस्तान में हम सबका प्यार बना रहे राजू जी राजू भाई कुछ वाला जो आइए किक लग रही है अभी सबसे पहले तो जी पहला जो ठीक है आजकल राजू जी किक लगी कि नहीं लगी लगी कि नहीं लगी बहुत चल रहा है नहीं हमें तो आज शो की किक अच्छी लगी हुई है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अनिल बोरांकर NRIs के लिए अवार्ड रखे हुए हैं जिन लोगों ने हमारे देश का नाम विदेशों में जाके ऊंचा किया तो हम सम्मान दिए तो बहुत अच्छी शुरुआत है इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जी कुछ खास एक्सपेक्टेशन है आप बिल्कुल मैं मेरे सामने जब ऑडियंस होगी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी होंगे बहुत सारे हमारे NRIs होंगे NRIs के बारे में ये कहूँगा कि उनके दिल में हमसे ज़्यादा हिंदुस्तानी है तो जब वो लोग मेरे सामने होंगे तो मैं हंसाए बगैर तो रहूँगा तो कुछ कॉमेडी की बात जी एक आध नमूना हम दिखाएंगे क्योंकि अंदर तो हम लोग रहेंगे हाँ अभी तो मौसम देख के मैं यही कवर कह रहा हूँ कि ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बेईमान है आज मौसम आज ये बारिश आज मुंबई में काफी क्या कहेंगे कुछ रास्ते में दिक्कत हुई अच्छा है मुंबई में कुछ एग्जांपल लोग कमाल के एग्जांपल लेते हैं
जैसे बोले एक बोला जी बारिश बहुत हो रही है, एक बोले पूछा बारिश कैसी हो रही है, अरे क्या कुत्ते जैसा बारिश हो रहा है। अब कुत्ते का बारिश से क्या संबंध, कह रहे बारिश नहीं रही इस साल, बारिश नहीं रहे, कब से बारिश नहीं रहे, बारिश बहुत हो गई, कहे बारिश हो रही, बारिश हो रही। तो हम लोग का टाइम पास बना हुआ है। राजीव भाई, जैसे अभी ये पहला सवाल ही आपसे पूछा गया था, सलमान की किक आई तो आपको किक लगी कि नहीं लगी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। किक बहुत तरह की किक होती है, कुछ एक बैक बना के वो भी किक हो जाती है। मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन मैं सुना अच्छी है। तो आपको किक लगी कि नहीं, कुछ लगी है? किस चीज से किक लगती है आपको? मेरी किक लगती है मौसम से, रोमांस से। और सबसे ज्यादा मुझे किक लगती है जो मेरे सामने ऑडियंस हो और उस समय जो मैं परफॉर्म करता हूँ उनकी जो लाफ्टर मुझे मिलते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़े किक है। राज जी, ईद आ रही है तो कुछ कहना चाहेंगे और ईद की एक विश कर दीजिएगा। अरे एक बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू, बकरा बोला आप क्या फायदा, दो दिन बाद तो कटने वाला शुक्रिया। तो एक विश अभी अभी मैं यहाँ जब गाड़ी से उतरा तो एक कोई मुझे मिले, उससे बोले कि क्या बड़े हो गए, मैं बोला दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। थैंक यू।